ये न्यूज है ओप्पो के रिलेटेड। वेल, मैंने यहां पर कुछ टाइम पहले क्लियर किया था कि दुनिया का पहला फोन जिसके अंदर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग होगी, एंड्रॉइड फोन, वो होने वाला है रियलमी फ्लैश। और उसकी होपफुली पहली वीडियो जो कि पाकिस्तान के अंदर लगेगी वो होने वाली है हमारे मेन चैनल के ऊपर। तो रियलमी फ्लैश के अंदर जो ये मैक सेफ आता है एप्पल के फ़ोन के अंदर, यही आने वाला है। मतलब ऑब्वियसली उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है, उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी बेहतर भी होगी। मैं अभी तक देख नहीं सका तो मैं उस पर कोई स्टांस तो नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि रियलमी इस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है तो यू बेट बाकी कंपनीज भी लेकर आएंगी। और अभी रिसेंटली एक नया मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर जो है वो लीक हुआ है, और ये मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर किसकी तरफ से है? ये है ओप्पो की तरफ से। वेल, अगर रियलमी कुछ कर रही है तो ऑब्वियसली वो ओप्पो भी कर रही होगी, और यही वजह है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर जो मैग्नेटिक चार्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। गेम ये है कि ये चार्जर जो है इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये 81 वाट्स के ऊपर काम करेगा, तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि एप्पल का मैक सिर्फ 15 वाट पे काम करता है, तो उस हिसाब से ये 440% पे काम करेगा मैक सेफ की स्पीड से। तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली फास्ट चार्जर। हाउएवर अभी सब लीक्स हैं तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दिल में इस चीज़ की श्योरिटी है कि जब भी ये चीज़ आएगी ये चीज़ एप्पल की जो स्पीड है उससे तेज़ ही होगी। जो रियलमी की टेक्नोलॉजी है उसको मैग डार्ट कह रही है रियलमी, और रियलमी फ्लैश के नाम से मोबाइल फ़ोन है जो कि आ रहा है, और बैक पर आप ये चार्जर देख सकते हैं जो कि सपोजली रियलमी फ्लैश के साथ आ रहा है। जैसे ही ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास आएगा, इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है मैं आपके पास ले आऊँगा। अभी तक के लिए ये रेंडर्स हैं जिनसे आप गुजारा कर सकते हैं। ऑल दो मैं ये बता दूँ, ये जो रेंडर है ना काफ़ी एक्यूरेट है।